मध्य प्रदेश के विदिशा का ऐतिहासिक विजय मंदिर एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने नए संसद भवन की डिजाइन इससे हूबहू मिलती है। इस मंदिर को विजय मंदिर, सूर्य मंदिर और भेली स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 11वीं शताब्दी के मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त कर यहाँ मस्जिद बनवा दी थी। इसके बाद करीब 300 से अधिक वर्षों तक यहाँ मस्जिद ही बनी रही। बाद में सन 1992 में जब मस्जिद का एक हिस्सा बाढ़ आने के कारण ढह गया, तो सुरक्षा के तौर पर भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में यहाँ खुदाई करवाई गई, जिसमें मस्जिद के नीचे मंदिर होने के साक्ष्य मिले। इसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। करीब 5 साल पहले किसी ने मंदिर के त्रिभुजाकार स्मारक के निचले हिस्से से लेकर ऊपरी हिस्से तक के ड्रोन कैमरे से फोटो खींचे, जिसमें भव्य विजय मंदिर की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। जब लोगों ने इसके समान नए संसद भवन की तस्वीरों को देखा तो उन्हें दोनों की नींव और बनावट एक समान नजर आई। तभी से यह तस्वीर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिस तरह से पूरे देश में इस तरह की प्राचीन धरोहरें हैं, उनका संरक्षण सरकार को करना चाहिए। और हाल ही में नए संसद भवन का निर्माण दिल्ली में कराया गया है, उसका जो स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा बीजा मंडल के मंदिर की डिज़ाइन को लेकर बनाया गया है। और ये जिसकी जो भव्यता और सुंदरता उस समय जो रही होगी, कितना प्राचीन मंदिर है और उस समय बहुत ही भव्य ये मंदिर रहा होगा, उसकी ये सुंदरता जो चारों तरफ बिखरी हुई है, अभी भी जो कलाकृतियाँ बिखरी हुई हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से इसकी जो अवहेलना लगातार हो रही है, सरकार इसका संरक्षण नहीं कर रही है, उसकी हम ये मांग करते हैं कि लगातार कई वर्षों से ये विवादित रहा है, उसका जल्द से जल्द निराकरण कर इसका जीर्णोद्धार किया जाए और सरकार इसको श्रद्धालुओं के लिए खोले, और यही हमारी सरकार से मांग है। आपको बता दें कि विजय मंदिर भूमध्य शैली में बना है। इसकी नींव त्रिभुजाकार है। मंदिर में 3 प्रवेश द्वार हैं, जो वास्तुकला का नायाब उदाहरण है। अब इसी मंदिर के आधार पर आधुनिक वास्तुकला में प्राचीन वास्तुकला को शामिल कर नए संसद भवन को आकार दिया गया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि राम मंदिर भी इसी की तर्ज पर निर्मित किया जा रहा है। वहीं विदिशा के रहवासियों का कहना है कि आज के इस दौर में नए भारत को गढ़ने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें 2 केंद्र बिंदु हैं, एक अयोध्या का राम मंदिर और दूसरा दिल्ली की नई संसद। राम मंदिर धार्मिक दृष्टि से और नई संसद वैश्विक दृष्टि से बहुत मायने रखती है। इसके निर्माण में विजय मंदिर के प्रारूप को अपनाना विदिशा के लिए गर्व की बात है। बीजा मंडल जो विजय मंदिर का अपभ्रंश है, ये विजय मंदिर और आपने जैसा कहा विस्टा, सेंट्रल विस्टा जो हमारी भारतीय संसद की नया संयुक्त भवन है, उसका वास्तुशास्त्र के हिसाब से लगभग एक ही वास्तु है दोनों के, दोनों की एक ही डिजाइन है। ड्रोन से जब हम बीजा मंडल का फोटो लेते हैं, अभी वर्तमान में जो हमारा बीजा मंडल, यद्यपि ये टूट फूट के बाद बहुत जीर्ण स्थिति में है, उसके बाद भी जब भी यहाँ ड्रोन से फोटो लिया गया है तो बिल्कुल सेंट्रल विस्टा का जो डिज़ाइन है उससे ये बिल्कुल मेल खाता है। और इसलिए हमारे लिए, विदिशा वालों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे विजय मंडल के वास्तु से प्रेरित होकर ही सेंट्रल विस्टा का निर्माण हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETB भारत, मध्य प्रदेश।